गंगा नगरी में सास की जमीन खरीदी बिक्री का मामला लंबे समय से चल रहा है। आसपास क्षेत्र के कई दलाल सक्रिय हैं, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में अनेकों स्थानों से चल रही है। इसके बावजूद भी यहां गोरख धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में प्रशासन द्वारा मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में समाज सेवी प्रदीप ठाकुर एवं दीपक गुप्ता द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करने के बाद ओंकारेश्वर नगर परिषद के वार्ड 7 में ब्रह्मपुर स्कूल के पास स्थित लाइब्रेरी हेतु सन 1990 के सितंबर माह में वाचलाने के लिए शासकीय जमीन को संस्कृत पाठशाला के लिए गौरी शंकर नामक आचार्य को मध्य प्रदेश शासन द्वारा लीज पर दिया गया था। इस जमीन की लीज भी लगभग समाप्त हो गई थी। इसके बावजूद भी जमीन पर 60x30 का अतिरिक्त अतिक्रमण कर उसकी संपत्ति बताकर 22 लाख रुपए में दान पत्र के माध्यम से शासन की आंखों में धूल झोंकते हुए नगर के बर्तन व्यवसायी को बेचने के मामले की शिकायत खंडवा कलेक्टर विशेष गढ़पाले तथा गुनासा SDM ममता खेड़े थाना प्रभारी जगदीश पाटीदार सहित संबंधित अधिकारियों को करने के बाद इस मामले में खुलासा हुआ। गौरीशंकर आचार्य शासकीय जमीन को वसीयतनामा कर उत्तर प्रदेश जा रहा था। इस दौरान सूचना मिलने पर थाना प्रभारी पाटीदार ने गणेश नगर के पास वाहन क्रमांक UP 53 BA 6192 को रोका। साथ ही थाना मानदाता लाया गया। यहां तहसीलदार उदय मंडलोई, नगर परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजा यादव, स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की गई, जिसमें गौरीशंकर आचार्य के पास 21 लाख रुपए की नगद राशि मिली है। गौरीशंकर इस राशि के बारे में कोई जवाब नहीं दे पाए। यह राशि कहाँ से आई, उचित जवाब नहीं देने के कारण राशि जब्त कर ली गई है। तहसीलदार उदय मंडलोई ने बताया कि वार्ड क्रमांक 7 नजूल की भूमि 40/1 रकबा 93.999 सास की जमीन के दस्तावेज मांगे गए। पटवारी से पंचनामा बनाकर अग्रिम कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर की जाएगी। जगदीश पाटीदार थाना प्रभारी ने बताया कि इतनी बड़ी राशि का उल्लेख गौरीशंकर द्वारा नहीं किया गया, जिसकी जाँच पड़ताल कर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं योग्य कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली मैं ओंकारेश्वर का ये पूरा मामला है। सरकारी जमीन 20x30 का 1990 में पट्टा हुआ था तत्कालीन कलेक्टर द्वारा। गौरीशंकर आचार्य को ये जमीन दी गई थी लाइब्रेरी चलाने के लिए, परंतु आज तक वहाँ किसी प्रकार की कोई लाइब्रेरी नहीं है। 20x30 के पट्टे के अलावा भी काफ़ी सरकारी ज़मीन को इंक्रोचमेंट किया था और हमें पता चला कि उक्त ज़मीन को लाखों रुपए में सौदा कर भागने की तैयारी थी रातों रात। इस पर पहले भी कई लोगों ने ये अवैध तरीके से इस ज़मीन को हथियाने की कोशिश की, पर वो लोग सफल नहीं हो पाए। हमें पता चला जागरूक नागरिकों द्वारा, तो आज ये कार्रवाई की है। हम लोग थाने में आवेदन दे रहे हैं। सनावत से ग्राउंड रिपोर्टर विवेक सत्यार्थी की रिपोर्ट।